जब टूट गया मुख्तार का आखिरी सपना, पंजाब में दोस्त सीएम बनते बनते रहा। पंजाब के जेल मंत्री से मुख्तार के संबंध कैसे हैं? रंधावा सीएम बनते तो मुख्तार को क्या फायदा होता? जब मुख्तार पंजाब की जेल में बंद था तो पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लगे कि वो मुख्तार अंसारी को योगी से बचाना चाहते हैं, और इसके मुख्य किरदार थे पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनका आज नाम मुख्यमंत्री की रेस में काफी आगे था। 13 मार्च 2021, जगह लखनऊ, किरदार पंजाब के जेल मंत्री रंधावा और मुख्तार फैमिली, होटल ताज में मीटिंग के आरोप लगे थे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया तो एक नाम चर्चा में आया, नाम था पंजाब सरकार में अब तक जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का। सुखजिंदर सिंह रंधावा और मुख्तार के संबंध कितने गहरे हैं, इसका अंदाजा आज आपको कहानी सुनने के बाद हो जाएगा। दरअसल योगी मुख्तार को यूपी की जेल में देखना चाहते थे और पंजाब सरकार मुख्तार को पंजाब में ही रखना चाहती थी। ऐसा क्यों, ये सबको पता है। उसी दौरान मार्च 2021 में पंजाब के जेल मंत्री रंधावा, जो सीएम बनते बनते रह गए, वो गुपचुप तरीके से बिना प्रोटोकॉल लिए यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। वो क्यों, ये समझने वाली बात है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर ये आरोप लग रहे थे कि वो मुख्तार को जानबूझकर बचा रही है। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा तब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो ऐसा दावा किया जा रहा था कि जिस टीम ने रंधावा को रिसीव किया वो मुख्तार अंसारी के लोग थे। ये भी दावा किया गया कि मुख्तार के लोगों ने सुखजिंदर सिंह रंधावा का एयरपोर्ट पे स्वागत भी किया। जिस गाड़ी में रंधावा सवार हुए वो गाड़ियां भी मुख्तार अंसारी से कनेक्टेड निकली। गाड़ी चलाने वाले शख्स का नाम अब्बास था। आरोप है कि अब्बास मुख्तार अंसारी गैंग का बेहद गंभीर सदस्य है। रंधावा का नाम जब सीएम की रेस में सबसे आगे हुआ तो मुख्तार बांदा की जेल में खुश हुआ। हमारे सूत्र बताते हैं कि बांदा जेल में मुख्तार पंजाब की सियासत पर नजर बनाए हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में तिलिस्म टूट गया। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह लखनऊ के ताज होटल में पहुंचे थे। वो मर्सिडीज से उतरे तो उनका स्वागत मुख्तार अंसारी के लोगों ने किया। होटल में ही उनकी मुलाकात मुख्तार अंसारी के परिवार से हुई। इस मुलाकात के बाद वो निकल गए थे। इस मुलाकात में कोई डील हुई या कोई बात हुई थी, इस बात का इनपुट ग्लोबल भारत टीवी के पास नहीं है। पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, लेकिन यूपी के एक बड़े माफिया को बचाने के आरोप लगे। कांग्रेस मुख्तार को बचाना चाहती थी, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो योगी सरकार के पक्ष में फैसला आया। अगर पंजाब के सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा बन जाते तो जरूर मुख्तार पावरफुल होता, लेकिन जब वक्त साथ ना हो तो अपना तो छोड़ो, दूसरों की किस्मत भी साथ नहीं देती है। रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।